वैसे भी ये 900 बेड शासकीय वैद्यक महाविद्यालय और इसमें इतने ज़्यादा बेड होने के बाद शायद ही इतना बड़ा हॉस्पिटल कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया में कि जिसमें 900 बेड है, तो ऐसे इसमें पेशेंट नागपुर ग्रामीण रूरल आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट और आजू बाजू के स्टेट यहाँ से पेशेंट आते हैं और वेटिंग में पेशेंट ज़्यादा रहने के कारण वो पेशेंट को सबसे पहले अपने को ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना जरूरी है। हम वो पेशेंट को बचाने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन के पहले हम उसका ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट होने के हिसाब से उसको अंदर लेते हैं। ऐसा जनरली होता नहीं है, जो एक बेड पर दो पेशेंट का आप जो बता रहे ऐसा जनरली होता नहीं, क्योंकि हमारा 85 बेडेड वार्ड है, जो इमरजेंसी आए बराबर पेशेंट उसको लेके उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उसके बाद डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट बराबर जो चाहिए वो ऐसे वार्ड में जो शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो स्टेशन है 85 बेडेड वो स्टेशन काम करता है पेशेंट शिफ्टिंग के पहले, लेकिन कभी कभी आप देखिए अभी इतने पेशेंट है बाहर भी जगह नहीं है तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं, लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलना जरूरी है। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और तुरंत 15-20 मिनट में वो पेशेंट का मैनेजमेंट करके हम जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं।